नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। हल्दी में हमने देखा था कि प्राइसेस के अंदर एक अच्छी खासी रैली मई ऑनवर्ड्स ही बनी हुई है। इनफैक्ट अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो 129% की बड़ी तेजी, और पिछले 1 साल की बात करें तो 111% की तेजी, पिछले 3 महीने में 76% की तेजी। बट जैसे हमने पहले कहा था कि 15 अगस्त के बाद मार्केट एक करेक्शन लेगा, और एग्जैक्टली हमने देखा एक प्राइसेस में बड़ा करेक्शन आया। हमारा उम्मीद था 13-13.5, और एग्जैक्टली हमने मार्केट को 13.5 के ऊपर जाते हुए देखा, और मार्केट अब रिकवर करके करीबन 15,500 के ऊपर फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल साइड हमने काफी सपोर्टिंग देखा, जिसकी वजह से ये रैली आई है। कुछ स्वॉट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो टर्मरिक में हमने करीबन 4 महीने के अंदर 180% की बड़ी तेजी देखी है। 18,000 का लेवल हमने देखा, जिस ढंग से डिक्लाइन इन स्विंग देखा जाता है, पहले माना जा रहा था 28-30%, बट कुछ जगह पर 40% तक की स्विंग में ड्रॉप देखने मिला है। जिस ढंग से स्विंग में भी ड्रॉप है, बट साथ में रूमर्स ये भी है कि यील्ड में भी ड्रॉप है, और क्रॉप डैमेजेस दिखाया जा रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, जहाँ पे अनसीजनल रेन भी हुई है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपलिफ्ट मिला है। रेनफॉल में कमी है, थ्रेट ऑफ एल नीनो कंटिन्यू बना हुआ है। स्विंग का एरिया, खास करके अगर हम साउथ के कुछ एरियाज की अगर बात करें, तो 35-40% तक का भी हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा कंटिन्यू मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को अपसाइड मिला हुआ है। अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि Q3, Q4 जनरली, खास करके Q4 फेस्टिव डिमांड से घिरा जाता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड भी कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगी। प्राइसेस में हमें लग रहा है कि जिस ढंग से ऑलमोस्ट लिमिटेड सप्लाई है मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगा। रिसेंटली हमने देखा है कि लोगों का रुझान भी टर्मरिक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते NGDX ने एक ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस 27 तारीख को रखी है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स है या VCPs है, इनको लाकर क्या मार्केट के डायनामिक्स है वो हम देख पाए। प्रोडक्शन की बात करें तो कुल मिला के 40-45% से ज़्यादा की इस बार प्रोडक्शन में कमी रहनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिमांड मार्केट में है, इंटरनेशनल मार्केट में भी। रुपए की गिरावट भी कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी लुक्रेटिव इस वक्त बना रहे हैं, और एक्सपोर्ट डिमांड तो हमने देखा ये कंटिन्यू मेंटेन है, पर थोड़ी थोड़ी वीकनेस भी है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा भी है कि प्राइसेस में 24% की बड़ी फॉल आई थी। हमने प्राइसेस को 18,000 से 13,600 तक आते हुए देखा, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे। साथ में हम देख रहे हैं कि US, यूरोप, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ रेगुलेशंस पेस्टिसाइड को लेकर काफी एक्टिव है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इफेक्ट हो सकते हैं। जिस ढंग से अभी जो बरसातें आई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक बेनिफिट हो सकता है क्रॉप को, लेकिन वो नेग्लिजिबल रहेगा। ओल्ड स्टॉक काफी पिछले सालों में तकलीफ देता हुआ दिखाई दिया, हमने देखा कि ये तंग करता रहता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, कैरियर स्टॉक ज्यादा नहीं लग रहे। बट FMCG की अगर बाइंग की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की चिंता उनको सता रही है, जिसके चलते कोई एग्रेसिव बाइंग FMCG सेक्टर से नहीं आ रहा है। रिसेशन के फियर बने हुए हैं, टेक्निकल इंडिकेटर थोड़े से ओवरबॉट हो गए थे, जिसकी वजह से प्राइसेस में करेक्शन हमने आते हुए दिखा भी है। वहीं अगर हम सीजनैलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो सीजनैलिटी में अगर आप देखेंगे तो अगस्त मंथ था थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन सितंबर की सीजनैलिटी काफी खराब थी। इसीलिए हमने पहले ही आगाह किया था कि सितंबर में मार्केट में करेक्शन रहेगा, और हमने एक बड़ा करेक्शन भी आते हुए देखा मार्केट में। लेकिन अब मार्केट एक पॉजिटिव दिखा रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अक्टूबर मंथ के अंदर पॉजिटिवली करीबन 1.5-2% की तेजी कंटिन्यू मिल सकती है। हाँ, नो डाउट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो प्राइसेस के अंदर मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा, खास करके टर्मरिक का ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में बना हुआ है, और प्राइसेस ने 11,150 का लेवल तोड़ने पे हमने देखा सीधा ही जो ये टारगेट था वो डेप्थ ऑफ द कप था, और वो अचीव हो गया था 17,266 पे। एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि मार्केट में गिरावट रहेगी, जो गिरावट 13,200 तक लग रही थी, एग्जैक्टली प्राइसेस ने 13,500-13,600 तक का लो लगाकर अब वापस रिकवर करके 15,500 तक आ चुका है। देखिए टाइमिंग हमें लगता है कि इमीडिएट हर्डल जो रहेगा वो 15,550 से लेकर 17,250 के बीच में रहेगा। नई तेजी के लिए 17,250 का लेवल तोड़ने पे हम 18,900 से लेकर 21,000 तक का लेवल देख पाएंगे, बट इसको समय लगेगा, करीबन 3-4 महीने की अवधि हमें मार्केट में आते हुए दिखाई देगी। वॉल्यूम पिकअप है मार्केट में, इचिमिगो क्लाउड ग्रीन में बना हुआ है। अगर फिबोनाची के लेवल्स की अगर बात करें तो प्राइसेस 100 फिबोनाची के ऊपर है, और इस वक्त 127 के ऊपर भी अच्छे से
मेंटेन है। इमीडिएट टारगेट 15,975 है जो 161.80 का फिबोनाची लेवल है, बट कुल मिलाकर ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव। फंडामेंटल साइड भी, टेक्निकली भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफी स्ट्रांग मूव दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव है टेक्निकली, फंडामेंटली और सीजनैलिटी, तो कुल मिलाकर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। हाँ, एकाएक जो 15 दिन में हमने तेजी देखी है उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुलबैक अगर देता भी है तो बाइंग के लिए काफी अच्छा मौका है। मुझे लगता है 13-13.5 एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन गया है। 16,000 का लेवल तोड़ने पर 17.5 का इमीडिएट टारगेट है, बट कुल मिलाकर अगर दिसंबर जनवरी की अगर हम बात करें तो 21,000 तक का लेवल भी हम प्राइजेस में आते हुए देखेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।